नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई CHO की भर्ती के बारे में, जो कि जस्ट अभी ही विज्ञापन जारी हुआ है। और अब कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे उस विज्ञापन में आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है, सारी डिटेल जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें, और साथ ही साथ इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन आ रहा है साइड में घंटी का निशान, उसको दबाएं। उसको दबाने के बाद ऑल इंडिया के हर वैकेंसी की न्यूज़ की अपडेट है वो समय समय पर नर्सिंग एजुकेशन परिवार आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है, SAMS.co.in इसकी वेबसाइट पर है, और आपको नई भर्ती के बारे में तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ मेंशन की हुई है। जो अभी फ़िलहाल MP CHO की वैकेंसी चल रही है उसका टैब यहाँ पर ये दे रखा है, बट अभी जो न्यू वैकेंसी आई उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है दे रखा है रिक्वायरमेंट ऑफ 180 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO अंडर NHM स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी त्रिपुरा राज्य की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक वगैरह सब दे रखा है। स्टार्टिंग डेट वो 5 फरवरी को स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट डेट वो 11 फरवरी इसमें रहने वाली है। तो इसके बारे में अपन डाउनलोड कर लेते हैं डिटेल। ऑनलाइन एप्लीकेशन इस फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर रूल बुक ये दे रखा आपके सामने ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। 4 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया है। नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी त्रिपुरा की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि 5 फरवरी इसकी स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट है वो 11 फरवरी रहने वाली है, ठीक है। टोटल 180 पोस्ट है इसमें दे रखा है। जनरल की 57, SC की, ST की 106, SC की 17 पोस्ट इसमें रहने वाली है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिएगा आपको। तो यहाँ पर आपने यदि GNM नर्सिंग की है और BMS है या फिर BSc नर्सिंग की है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने त्रिपुरा का रेजिडेंस मांगा गया, तो त्रिपुरा के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, और त्रिपुरा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये थी खास इन्फॉर्मेशन। डिजायरेबल में भी दे रखा है कुछ, एज लिमिट 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ एज रिलैक्सेशन का भी दे रखा है। और यहाँ पर इस प्रकार से इसका सिलेबस भी मेंशन कर रखा है कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। सैलरी आपको यहाँ पर 25,000 रुपये प्लस 15,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर दी जाएगी। 2.5 लाख रुपये का बॉन्ड है इसमें यदि आप बीच में जॉब को छोड़ते हो तो। तो इस प्रकार से ये थी आज के इस वैकेंसी की कुछ खास इन्फॉर्मेशन। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर विजिट करके आप देख सकते हैं, या फिर ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ से इसका लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से क्लिक करने के बाद इस PDF को आराम से आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।